आज के दिन माता रानी का प्रकट उत्सव होता है, जो गर्भगृह से बाहर निकल के इस आंगन में बैठती है। माता रानी गर्भगृह से निकल के आंगन में प्रकट होती है, अपने चरण को अपने भक्तजन को अपना चरण छुआने के लिए, जो 51 नारियल में बनती है और उनको 16 सिंगार से सजा के उनकी पूजा की जाती है और अपने अपने तरीके से, अपने मनपसंद से, अपने धंधा से, अपने अनाज से उनको हार पहनाया जाता है। जो इस बार उस कार्यक्रम को, इस पूजा को हमारे यहाँ मनोज भैया देवांगन जी के दुखद कार्यक्रम के कारण नहीं बिठाए हैं उनको आंगन पे, तो ये मौका बार बार ना आए, हर साल बैठे, हर साल आए, हर साल प्रकट उत्सव मनाए और उनको चरण छूने का मौका मिले, मौका दे, ऐसी कृपा बनाए रखने के लिए आज ये हमारा लास्ट था ऐसा दुखद कार्यक्रम मनाने का। तो आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए मैं कहती हूँ, आज जो मौका हुआ है वो कभी दोबारा ना आए। हर साल की 22 नवंबर को माँ पांच धाम मंदिर का गर्भगृह से माता रानी आंगन पे आए, प्रकट होए और हर दर्शक को उनके चरण छूने का मौका मिले, ऐसा मैं विनती करती हूँ आप सबसे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जो बोलने में मेरे से भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ज्यादा तो मेरे को बोलने नहीं आता, माता रानी मेरे को भी ज्ञान दे, जितना हमारे यहाँ भैया को आता था उतना किसी को नहीं आता, तो उनके याद पे आज हम माता रानी को प्रकट नहीं कर पाए, उनको बिठा नहीं पाए, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जय पांच धाम, ओम शक्ति 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 जय पांच धाम।